मित्रों, आत्मा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण में इस विषय से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाया गया है। कई लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि जब आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है या फिर निकलती है तो शरीर को कैसा अनुभव होता है। इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आत्मा, जिसको कुछ लोग प्राण शक्ति तो कुछ लोग ऊर्जा भी कहते हैं, सनातन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मृत्यु से जुड़े कई कठिन सवालों के उत्तर मौजूद हैं। इसी पुराण में आत्मा इस लोक से परलोक कितने दिन में जाती है और उस आत्मा के साथ मरने के बाद क्या होता है आदि सवालों के जवाब शामिल है। हमारे सनातन धर्म में कर्म को प्रमुख माना गया है, इसीलिए सदकर्मों को ज्यादा प्रमुखता भी दी जाती है और यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। जो इंसान अपने जीवन में सदकर्म करता है उसकी आत्मा को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है, वहीं बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। आत्मा का प्रवेश, मित्रों, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस दिन शिशु माँ के गर्भ में आता है या फिर गर्भ से उत्पन्न होता है उसी वक्त जीवन का आरंभ हो जाता है और सांस की गति रुक जाने से हमारी मृत्यु हो जाती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है, क्योंकि जीवन का प्रवाह तो अनंत है। जीवन और शरीर एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार हम वक्त वक्त पर कई कपड़े बदलते रहते हैं उसी प्रकार जीवात्माओं को भी शरीर बदलना पड़ता है, इसीलिए उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी जीवात्मा के लिए जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उस जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त न हो जाए। शरीर रूपी वस्त्र बदलने के इसी क्रम में जीवात्माएं इस भौतिक जगत पृथ्वी पर जन्म लेकर आती हैं और अपनी होने वाली माता के गर्भ में स्थापित हो जाती हैं, और यही क्रम अनवरत चलता रहता है। स्त्री के गर्भ में तीसरे माह में आत्मा का प्रवेश होता है। और मित्रों, अगर होने वाली संतान ने पुराने जन्म में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और हमेशा जन कल्याण से जुड़े कर्म किए हैं तो उसे गर्भ में प्रवेश करते समय किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। आने वाले 6 महीने भी वे बिना किसी वेदना के गर्भ में रहती है। वहीं मित्रों, अगर गर्भ में आने वाली आत्मा ने पुराने जन्म में कई लोगों का दिल दुखाया हो या फिर हमेशा गलत कर्मों में संलिप्त रहा हो तो उसे गर्भ में प्रवेश करते समय भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि कई गर्भवती स्त्रियों को गर्भधारण करने के 3 महीने बाद बहुत कष्ट होता है। मित्रों, वो इसी का परिणाम है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तब वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है, तब वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में बेहोश हो जाते हैं। 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर नहीं हिल सकता, वह खुद को एक पिंजरे में बंद कर दिए पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है, हे लक्ष्मीपति, जगदादार, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु, मैं आपका शरणागत हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद अपने आस पास गंदगी देख वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसीलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर आता है तो उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है, इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। आत्मा का शरीर से निकलना, मित्रों, इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक ना एक दिन सभी को मरना होता है। यहाँ एक विशेष बात ये है कि जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वे शरीर से अलग है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुख खुला रह जाता है, वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह,
या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। जो इंसान हद से ज्यादा स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने या अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, हमेशा धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं और जो काम वासना में संलिप्त रहते हैं, इनको पापियों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे लोग मृत्यु के समय यमदूतों को देखकर घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। ऐसे लोगों की प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है और इसी प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमदूत उसकी गर्दन में पाश बांध देते हैं और फिर यमलोक ले जाते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा कफ बनने लगती है। वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं बोल पाते। दुनिया और परिवार से इनका मोह इतना ज्यादा होता है कि प्राण छोड़ना ही नहीं चाहते। और फिर ऐसे लोगों के प्राण निकालने के लिए यमदूतों को बल का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राणवायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि जो लोग जीवन भर सत्कर्म करते हैं, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में ज्यादा कष्ट भी नहीं भोगने पड़ते। ऐसे लोगों के प्राण जब निकलते हैं तब उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नाक से प्राणों का निकलना बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए अपने सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी बना लिया हो। तो मित्रों, आपने देखा कि शरीर से आत्मा निकलते समय और प्रवेश करते समय शरीर पर क्या गुजरती है। इन दोनों ही स्थितियों में हमारे कर्मों का बड़ा योगदान होता है। इसीलिए अगर हमें सदगति और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें सदैव सदकर्म की तरफ ध्यान देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर देखने वाले लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।